नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों, SML की एक लग्जूरियस बस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। 25 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमतें रहेंगी, बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर और राज्य से हैं, तो कीमतें थोड़ी सी भिन्न भी हो सकती हैं। इस बस को एग्जीक्यूटिव एलेक्स के नाम से कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आगे से दोस्तों बस देखने में काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। SML की ब्रांडिंग है, एग्जीक्यूटिव एलेक्स की ब्रांडिंग है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर फोग लैंप वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं रिफ्लेक्टर टेप के साथ में। काफ़ी स्टाइलिश इसके लाइट हैं, हेडलाइट, और बड़ी सारी आपको इसके अंदर जो है विंडशील्ड यहाँ पर दी है, जिससे कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी इनहेंस होती है। बाहर की ओर निकले हुए ORBM है, जिससे कि पीछे का व्यू ड्राइवर को क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा। और इस विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए दो वाइपर हैं पानी के जेट के साथ में, जो कि इस विंडशील्ड को पूरा क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो था इस गाड़ी का फ्रंट। हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। पूरी एयर कंडीशन ये गाड़ी है। इस गाड़ी के मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 सिलेंडर BS6 इंजन दिया है, जो कि 3455 cc के आसपास का ये इंजन है। 75 kW की पावर देगा, यानी कि 100 HP की पावर देगा, और 310 Nm के आसपास का टॉर्क मिलेगा। 5-speed ट्रांसमिशन मिलता है रिवर्स गियर के साथ में। 310 डाई के क्लच का इस्तेमाल किया है। सेमी इलिप्टिकल टाइप के मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको दिए हैं एंटी रोल बार के साथ में। पावर स्टीयरिंग है हाइड्रोलिक असिस्टेड। डुअल सर्किट फुल SKM ब्रेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन गाड़ियों के अंदर दोस्तों, अगर हम सीटिंग की बात करें तो 12+1, 12+11, 14+11, 19+11, 21+11 की आपको सीटिंग ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 3335 mm के आसपास के व्हील बेस के साथ में आने वाली ये गाड़ी, इसके अंदर हम चलेंगे अंदर और आपको अंदर के भी फीचर्स दिखा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर आप अवश्य करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए एक एक वीडियो यहाँ पर लेके आते हैं। 25 लाख रुपये के आसपास की इसकी कीमत मैंने आपको टेंटेटिव बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कीमतें भी अच्छी लगेंगी। तो टायर आप देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी स्टाइलिश आपको व्हील कैप के साथ में इसके टायर दिए हैं। और ये गाड़ी दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 6 टायरा के साथ में है। 6 टायर के साथ में मतलब 2 टायर आगे और पीछे की साइड में आपको डबल टायर यहाँ पर दिए हैं, यानी कि 4 टायर पीछे और 2 टायर आगे। तो काफ़ी मजबूत और बेहतरीन सस्पेंशन के साथ साथ आपको यहाँ पर टायर वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। ये पीप विंडो है, जिससे कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय जो ट्रैफिक है उसके ऊपर अच्छी खासी निगाह बनी रहती है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर और इंडिकेटर दिए हैं। ऊपर आप देख रहे हैं, आपको इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ पर वार्न भी किया गया है कि अगर कोई इनकेस कोई इमरजेंसी होती है तो आप इसके बड़े बड़े जो ग्लासेज हैं इनको ब्रेक करके बाहर निकल सकें। यहाँ पर आपको SML की ब्रांडिंग है और डोर भी काफ़ी स्टाइलिश है, जिसके ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर ग्लास देखने के लिए मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव एलेक्स की ब्रांडिंग यहाँ पर भी की है। ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगाएँ, जो कि गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर काफ़ी अच्छी तरह से फब रहे हैं। और मैं गाड़ी का अंदर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो डोर है काफ़ी स्टाइलिश तरीके से जो है ये ओपन होता है इस तरह से घूमता हुआ, और अंदर का जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको लाइट फील कराएगा, यानी कि अंधेरे में भी आपको यहाँ पर लाइट का फील होगा। तो आप यहाँ से इस तरह से एंट्री ले सकते हैं आरामदायक। और गाड़ी के अंदर मैं आपको चल के दिखाऊं तो अंदर का व्यू तो भाई एकदम कहते हैं ना कि लग्जरी, यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको फील कराने वाली चीज़ें दी हैं कंपनी के द्वारा। इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आपको इसके अंदर जो है ये पिलो वगैरह भी दिया है, जो कि आपके गर्दन को सपोर्ट देता है, गर्दन को आराम देगा। फैब्रिक और लेदरेटिक आपको सीट दी हैं, जिनका जो मटेरियल है ये भी काफ़ी अच्छा है। आर्म रेस्ट वगैरह दिए हैं, जो कि आप कंफर्टेबली यात्रा करते समय इनके ऊपर हाथ रख करके अपनी यात्रा करेंगे तो आपको अच्छा फील आएगा। आप अपनी सीट्स को रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको इसके अंदर जो है रीडिंग लाइट भी दी हैं इंडिविजुअल हर सीट्स के ऊपर की साइड में। और यहीं पर आपके AC के कंट्रोल हैं, जो कि अगर आप चलाना चाहें तो आप चलाएं, नहीं चलाना चाहें तो आप नहीं चलाएं। तो एक फ़्लाइट के अंदर आप जैसे बैठते हैं ना, फ्लाइट के जैसा जो इंटीरियर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है कंपनी के द्वारा। पीछे वाली जो रो है वो लंबी है, जिसके ऊपर आप जो है 5 लोग बैठ पाएंगे, बाकी यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो 2x2 का दिया गया है। यहाँ पर आपके सामान वगैरह को रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, यानी कि आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको ABS मिलेगा, AC मिलेगा, और रिवर्स पार्किंग कैमरा है, LCD है, और सेंसर हैं, इंडिविजुअल आपको लाइट्स हैं, मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट हैं, वो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर कंपनी के द्वारा इन बसेज के अंदर अवेलेबल करवाए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पीछे से दिखाई, अब मैं आपको आगे का पोर्शन दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर आपको आगे का जो एरिया है ना ड्राइवर का, वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स।
अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ऊपर आपको इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम यूज करेंगे तो आपके स्पीकर हैं, बीच में आपको लाइट दी हैं जो कि आपकी केबिन को अच्छी तरह से रोशन कर पाएंगी। सैलून हाइट भी बहुत अच्छी है, जैसे कि किसी भी कदकाठी का व्यक्ति हो वो आसानी से यहाँ पर आगे पीछे मूव कर सकता है। यहाँ पर आपको इसके अंदर एक एग्जिट ये भी दिया है, वेंट दिया है। आगे आपको एक मॉनिटर है जो कि आपके म्यूजिक का मतलब काम करेगा, मतलब आप इस पर फिल्म वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, मार्किंग भी की हुई है कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज करें। फायर डिटेक्ट अलार्म का भी यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हैं। और रूफ़ का भी अच्छा है, देखो आप रूफ़ का जो मटेरियल है, इसका जो कैनोपी का जो मटेरियल है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये LED के साथ में आने वाली यहाँ पर आपको जो है लाइट प्रोवाइड की गई हैं। तो ड्राइवर के साथ साथ एक व्यक्ति और बैठ सकेगा, एक ड्राइवर हो गया और एक उसका को ड्राइवर, दो लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको कुछ और स्पेस दिया गया है, इसके ऊपर भी आप अगर चाहें तो और कुछ एसेसरीज यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। ये आपका टूल किट हो गया और ये आपका है यहाँ पर बोनट, जिसके माध्यम से आप कभी जाँच पड़ताल कभी इंजन की करनी हो तो वो यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं। ड्राइवर के पीछे की साइड में भी आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और ड्राइवर को अलग से अगर गाड़ी खाली जा रही है और AC नहीं चलाना है इतना बड़ा, तो ड्राइवर जो है फ़ैन चला करके भी अपना कूलिंग यहाँ से कर सकता है। तो ये है दोस्तों ड्राइवर का एरिया, जिसके सामने जस्ट आपको यहाँ पर इसका IRVM दिया गया है। 5-speed का छोटा सा गियर शिफ्ट लीवर है, जिसको ऑपरेट करते समय ड्राइवर को फील होगा कि वो एक कार चला रहा है। यहाँ पर आपको इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो कि टच स्क्रीन के साथ रहेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पर भी है। SOS का बटन भी दिया है। SML की ब्रांडिंग के साथ में आपको इसका स्टेयरिंग मिलेगा, जिसके ऊपर आपको हॉर्न भी मिल जाता है। और काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, इंजन RPM मीटर और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती रहेंगी। साथ ही दोस्तों आपकी बैटरी को कट ऑफ यानी कि ऑन ऑफ करने का स्विच भी जो है ड्राइवर के पास में अंदर की साइड में ही दे दिया गया है। तो दोस्तों इसका डैशबोर्ड इस तरह का है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारा का सारा वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर आप अवश्य करिएगा। अब दोस्तों इस लग्जरी को अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो आप पीछे से देखेंगे, पीछे से भी गाड़ी हमें काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। एक छोटी सी गाड़ी है जो कि लगभग 7 meter के आसपास इसकी लंबाई है, यानी कि छोटी सी गाड़ी है। स्टाफ बस के रूप में आप इसका यूज करते हैं कभी ट्रैवलिंग के लिए, कहीं घूमने के लिए, टूर वगैरह पर जाने के लिए, तो काफ़ी कम्फर्टेबल आपको ये फील कराएगी। तो पीछे से काफ़ी शानदार गाड़ी का लुक है, जहाँ पर आपको ऊपर की साइड में रिवर्स पार्किंग जो कैमरा है उसको इंस्टॉल किया गया है। SML की ब्रांडिंग है, एग्जीक्यूटिव LX की ब्रांडिंग है और काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर जो है टेल लैंप वगैरह भी दिए गए हैं राउंड शेप के अंदर। ये हो गया राइट हैंड साइड में इसका इमरजेंसी एग्जिट। तो दोस्तों आप वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गाड़ी का वीडियो आपको कैसा लगा और गाड़ी भी आपको कैसी लगी देखने में। तो 25 लाख रुपये के आसपास की कीमतों में आप इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे छत के ऊपर आपको जो है AC के पूरे कंट्रोल जो इसका जो यूनिट होती है उसको इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।